मम्मी चपाती लेट्स हिट इट फॉर वारी चोरा। फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो गई एक बहुत बड़ी, अभी केम अप फिर हम सीधे वापस भी चले गए थे, एम एन ग्रे पहुंच गए थे और जब घर जाके देखा तो बैग में गिम्बल नहीं था। नमस्कार सत श्री अकाल वालेकुम, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवलर्स पर। मैं मधुर आज आपसे बात कर रहा हूँ साउथ गारो हिल्स में एक छोटे से गांव एमिनग्री से, जहाँ पिछले ब्लॉग में आपने देखा हम जडेसिल फिश सेंचुरी में नहाकर इंजॉय करके शाम को आकर रुक गए थे। आज ये नया ब्लॉग आया है आपके लिए वारी चोरा के लिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आप वारी चोरा के लिए प्लान भी कर रहे हो। तो आज हम जा रहे हैं साउथ गारो हिल्स की एक नई फाउंड टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट लोकेशन, जहां अब रश काफ़ी बढ़ गया है। ये कुछ साल पहले जगह मिली थी लोगों को, लोकल्स को, और कुछ टूरिस्ट यहां आए, उसके बाद से ये यूट्यूब पर छा गई है बिकॉज की इतनी प्यारी प्यारी वीडियोज़ और इतनी प्यारी प्यारी फोटोज़ आई हुई है और ये लोकेशन वाकई में बहुत एक्जॉटिक है। अगर आपको यहां आना है एम एन ग्रे तो वारी चोरा होम स्टे डालकर आप आराम से यहां आ सकते हैं, गूगल पर आपको बिल्कुल इसी लोकेशन पर लेकर आएगा। दोस्तों बोलेरो पिकअप रेडी है and we are all set to move to Varichura trekking point. Now one thing for you, agar 4x4 ya thoda sa bhi high ground clearance wala road hai na, gaadi hai, to do come with your own vehicle, warna hire the local vehicle, share kijiye aur apne trip ko budget banaiye, warna to udaiye aur jaldi se jaldi aaiye kyunki ye jagah barbaad hone wala hai, ki zyada time lagne wala hai. Ye that is the point. Ye mere piche dikhata hu main aapko Friday Saturday Sunday ka sir, everyone off for Varichura. This is how the situation is right now. अरे गियर्स भी आ गए गाड़ी में ही। मित्रों let's have the taste of the local travel. More than 13 and 14 people are here and we are all set to move for Varichura now. That is the best, cheap and budget way to reach Varichura trekking point. So the trip to Varichura starts, friends. Here are lots of people with us. My goodness. Friends, you can come by bike if you are a good rider or if you have a good 4x4 vehicle or good ground clearance vehicle. अदरवाइज आपकी गाड़ी की वाट लगने वाली है और आपकी भी और आपकी भी। सो दिस इज हाउ द रोड इज। लेट्स हिट इट फॉर वारी चोरा। इंक्लाइन है दोस्तों, अच्छा वाला यहाँ नहीं चलते, यहाँ नहीं चलते, यहाँ मुश्किल है। फ्रेंड्स डोंट एवर ट्राई टू कम हियर इन मानसून, क्योंकि मानसून में इस रोड की हालत बहुत खराब होती है, अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। किसी इंस्टाग्राम वाले ने आपको ये रूट दिखाया था क्या? दिखाया था? किसी ने बताया था कि ऐसा रास्ता भी होगा? ये पता ही नहीं जाता। ये नहीं बताया जाता। चैलेंज थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग है। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? क्या उसने तुमसे प्यार किया? नहीं। इसीलिए आप लोग यहाँ जंगल में आए हैं। मम्मी अब नहीं आऊंगा मैं, आप सही कह रही थी, वहां मत जा बेटा। अरे यार बाबा भी तो बैठे हैं अंदर। बाबा ए भगवान, ए भगवान उठा ले। सीधे पटकते मारी चोरा में। वो नीचे से कह रहे हैं प्रभु अ काइंड ऑफ अ राइड जो आपकी बॉडी के
जितने भी सस्पेंशन है ना वो सारे चेक हो जाएंगे यहाँ पर, बॉडी के सस्पेंशन चेक हो जाएंगे। हाँ बॉडी मसाज और बॉडी मसाज। आप लोग कहाँ से आए? फ्रॉम असम। असम ओनली? गुवाहाटी ओनली? ओनली मतलब गुवाहाटी से? आप मतलब आप सबका एक ग्रुप है पूरा ही या और भी ग्रुप है? ओके ओके ग्रुप ही चलते जी। वेरी गुड। कहने की सिंगल अकेले नहीं चलना चाहिए। स्पेस रख लो अपने लिए, खतरा है दोस्तों, खतरा है, इसीलिए अकेले नहीं चलते। गुडनेस। ट्रैवलर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्रैवलर प्लस टूरिस्ट, सो हाफ ट्रैवलर हाफ टूरिस्ट। क्या सीन अनसीन? ओके दोस्तों जोर से बोलो फिर से बोलो मोदी मोदी जोर से बोलो। आवाज नहीं आई, मैं नहीं सुनिया। मत बोलो, बस चैनल सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है ट्रैव रिस्ट, हाफ ट्रैव आधा ट्रैवलर आधा टूरिस्ट। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द ट्रैक नाउ। मेरा एक फोटो भी खींच दो। आ गया नाउ। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है 1 किलोमीटर का, नीचे उतर के जाना है। यहाँ तक आने की राइड बहुत जबरदस्त थी एंड मैं सजेस्ट करूंगा आप पब्लिक के साथ ही आइए, लोकल ट्रांसपोर्ट में आइए। क्या कहते पंकज भाई, मजा आया? बहुत ही मजा आया बिल्कुल। ऐसे सामने से मैं पिचक गया, पीछे से मेरे ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, मेरे ऊपर पता नहीं किस किस का पैर है मुझे कुछ नहीं पता, और पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कयाक, पता नहीं क्या क्या। मैं और मधुर भाई एक अगल बगल में थे, लेकिन जब पूरी राइड खत्म हुई तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए थे। बहुत मजा आया दोस्तों सीरियसली। तो ये चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। डेफिनेटली। चलिए ऑल सेट, एवरीवन इज रेडी हियर। अगर वारी छोरा घूमना है डू कॉन्टेक्ट दीपक, इसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये आने वाले टाइम में यहाँ का डीजे ब्रावो होने वाला है। होम स्टे है, बहुत बड़ा टेंट सिटी है, कैंप है, सब कुछ है। आइए सब कुछ अरेंज करेंगे दीपक आपके लिए। नंबर है नीचे, कॉन्टेक्ट है। दोस्तों ट्रैक स्टार्ट हो गया, पंकज भाई आगे, मैं पीछे, और सबसे पीछे हमारे प्रभु चल रहे हैं, महाराज जी। आज के ब्लॉग में आपकी महाराज जी से मुलाकात नहीं हुई। प्रभु जी आपको सबसे पहले क्या बोलना है? जय सिया राम। जय सिया राम। और फिर उसके बाद डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ट्रैवलिस्ट। यस, ये मधुर जी हैं, अपने यहाँ के ही हैं, बड़े सरल हैं, सज्जन हैं। कैसा रहा आपकी यात्रा अभी तक आने की? यात्रा में जो भी आए तो इनको निजी तौर पे भी मदद करते हैं, इनको फोन कर लिया करें तो एक एक मोड़, गली, रास्ता सब बता देते हैं। इनको सब याद भी है, हमको तो लगता है इतने छोटे से दिमाग में इतनी बातें कैसे रखते हैं, पर इन्हें सब याद है। तो यहाँ आने में काफी सहायक हैं और काफी मददगार होंगे उनकी वीडियो भी और ये भी। ये इसलिए चैनल से जुड़िए। समझ गए दोस्तों, अब मैं आपको ट्रैक दिखाता हूँ। ये एक छोटी सी ट्रेल बनी हुई है, इस ट्रेल से उतर के आप नीचे जाएंगे, जबरदस्त। दोस्तों बहुत स्टीप स्लोप है, मतलब बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूँ आपको, इट्स सीरियसली वेरी स्टीप। आने में वाकई में इसमें हालत खराब होने वाली है। शक्ल आपको दिख रही है क्या हालत हो गई है,
अब जरा नीचे चलते हैं उतर के यहाँ से, थोड़ा थोड़ा बारी चोरा आना बिल्कुल भी इजी नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं इंस्टाग्राम की रील पे मत जाना, ये ट्रैक अपने आप में अच्छा खासा ट्रैक है और बारी चोरा बारी बारी से लेता है। हाँ तो चोरों की ज्यादा लेता है, चुरा भी सकता है, आपका हालत खराब हो गई है, सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब उतरने में और चढ़ने का तो मुझे अंदाजा ही नहीं है क्या होगा अभी। चलो महाराज जी भी उतर रहे हैं, भैया बहुत इंक्लाइन है दोस्तों, बहुत नीचे उतरना है, आ जाइए आ जाइए। पंकज भाई भी चल दिए नीचे की तरफ, सीढ़ियों से उतरने के बाद दोस्तों ये है पहला ग्लिम्स, सबसे पहली बार यहीं से दिखेगा आपको वारी चोरा के लिए, वारी चोरा में से आने वाली वो नदी, और अब उतरते हैं नीचे चलते हैं आगे। वाह, राइट नाउ वी आर एट वारी चोरा बोटिंग पॉइंट, वाट लग चुकी है लिटरली, और अब यहाँ से हम चलेंगे बोटिंग करके, बोट ये रेडी हो रही है, छोटी छोटी बोट है यहाँ पर, ऊपर ही चार्ज देना होता है सब कुछ, रेट मैं आपको बता दूंगा बाद में, अभी फिलहाल मेरे को करना है एंजॉय, जैसे ये बोट पे लोग बैठ के जा रहे हैं ऐसे ही हम अंदर जाएंगे और घूम जाएंगे, बने रहिए। प्रभु एक फोटो खींच दीजिए बस, ये बाय, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ट्रेवरेस्ट, सीन अनसीन, सीन अनसीन आल्सो। ओके मधुर भाई रेडी, कहाँ से आप? असम। असम में कहाँ से? कार्बी एंगलोंग से। यार बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे भी तो ऐसी बहुत सारी जगह है ना, वॉटरफॉल्स हैं कई सारे, पानीमूर, काकोचांग। ओके चलिए, कैसा लग रहा है वारी छोरा? अच्छा, मस्त। तो दोस्तों लाइफ जैकेट के साथ मजा अलग ही है, मजेदार। वी आर ऑल सेट टू मूव नाउ, चले भैया, आई एम द ओनली वन इन द बोट, वाओ अमेजिंग। सो सवारी वारी चोरा अंदर जाने के लिए हो चुकी है शुरू, और इस तरीके से ये बोट देखिए वापस भी आ रही है यहाँ से, वाह, और आगे दो मस्त बंदे तैरते हुए जा रहे हैं। आप आ गए हो वीडियो में, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रेवरिस्ट, और भाई भी है, मम्मी चपाती। हाँ इसको ऐड कर देना प्लीज, हाँ हाँ चैनल का नाम पता है ना, ट्रेवरिस्ट। सो दिस इज वारी चोरा, जगह से पानी गिर रहा है, वाओ। ये जगह सच में बहुत सुंदर है, आने तक का जो जितना भी मतलब दर्द दुख जितना भी टेंशन था सब खत्म यहाँ आके, इट्स परफेक्ट प्लेस टू बी, एंड बस ट्रैक अलमस्त से छोटा ट्रैक है लेकिन बहुत स्टीप है, बहुत मतलब बहुत स्टीप है, और ये वेसोडोंग से भी ज़्यादा टफ ट्रैक है, और उससे थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत चढ़ाई नीचे उतर के आनी पड़ती है, और फिर आप ऊपर चढ़ के जाते हैं, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम,
तो अगर उसके लिए आप प्रिपेयर हैं तब आइए। क्या प्यारी जगह है यार, ऊपर से गिरता पानी, वाह जबरदस्त। हम आ गए हैं इस पॉइंट तक जहाँ पर ये बारी चोरा केव्स ख़त्म होती है, जो पॉइंट ख़त्म होता है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और यहाँ पर बैठकर थोड़े से नहाएंगे, वीडियो बनाएंगे और फिर यहाँ से चलेंगे वापस बोट से। क्या कुछ कहने की जरूरत है आपको या आप स्वयं ही समझ रहे हैं? ये परम आनंद की प्राप्ति है। ऊपर से ऐसे आता हुआ सतगल और ये पानी देखिए। हाँ, ये यहाँ जंगली केव का एंड है, लोग यहीं तक आते हैं तो हम भी यहीं तक ही रहेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी भट्टी भी है। मामा ने ऐसा कहा था, मधुर पानी से संबंध मधुर नहीं बनाना। जय सिया राम। जय सिया। क्या कहूँ मैं इस जगह के बारे में, ऑसम, बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों, जबरदस्त। तो अब यात्रा वापस की तरफ शुरू हो गई है दोस्तों, अब हम वापसी चल रहे हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। हम नहीं खड़ा होना तो हो जाए। अब ट्रैक शुरू होगा ऊपर के लिए और बड़ा खड़ा ट्रैक है, हालत ख़राब होने वाली है। कपड़े हमने चेंज नहीं किए, गीले में ही जा रहे हैं क्योंकि पसीने में बुरी हाल होने वाले हैं। ऊपर चल के मिलता हूँ मैं आपसे, थोड़ा बहुत ट्रैक दिखाऊंगा वापसी का, हिम्मत हुई तो, वरना। जो जितनी मौज मस्ती आप लोग अभी देख रहे थे ना नीचे, उसके लिए यू हैव टू पे बैक हियर। लगभग 50-60 डिग्री का इंक्लाइन है फ्रेंड्स, सो सोच समझ कर आए। आ तो जाओगे, वापस कैसे जाना है उसके बारे में सोच के आना, हालत ख़राब हो रही है। बट ये भी है, आई एम नॉट अ रेगुलर ट्रैकर, तो उतनी हैबिट नहीं है। ऊपर वो पंकज भाई भागे जा रहे हैं, ऊपर चल के मिलता हूँ आप लोगों से, बने रहिए। फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो गई एक बहुत बड़ी, अभी केम अप, फिर हम सीधे वापस भी चले गए थे, एम एन ग्रे पहुँच गए थे। बैग में पंकज भाई के मैंने गिम्बल रखा था और जब घर जाके देखा तो बैग में गिम्बल नहीं था। तो हम वापस आए अभी, तो पंकज भाई अभी नीचे गए हैं देखने के लिए और यहाँ एक गाइड थे, उनको भी बोला है, वो भी गए हैं। देखते हैं अगर गिम्बल किसी ने बताया, गाइड ने कि गिम्बल वहीं रखा हुआ है, एक किसी ने देखा है कि नीचे गिम्बल रखा हुआ था तो उनको भी भेजा है। और ऑल द वे वी केम अप, वेट कर रहे हैं अब यहाँ पर, मतलब मैं तो ऊपर ही बैठा हूँ, पंकज भाई गए हैं यार, उनकी भी हिम्मत है नीचे उतर के चले गए, बड़ी बात है। इतना स्टीप ट्रैक है, मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी वापस नीचे जाने की, तो अब देखते हैं क्या रहता है, मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, बारी चोरा को दे दिया। बारी चोरा के लिए गिफ्ट हो गया फिर, मतलब दिस इज द पर्सन। मेरा गिम्बल गया था दोस्तों नीचे एंड पंकज भाई नीचे तक गए टू ब्रिंग द गिम्बल ऑल द वे डाउन, और मुश्किल से 15 मिनट या मैंने आधा घंटा भी नहीं हुआ है भाई को गए हुए अभी। 151 तक गया था मैं इधर से, माय गुडनेस पंकज भाई, थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट। कहाँ, वही एग्जैक्टली वहीं पे साइड में रखा हुआ था, ग्रेट। एक बंदा जैसे मैं उठाया था ना, हाँ मैंने कहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। ओह माय गॉड पंकज भाई, थैंक्स अ लॉट यार, थैंक यू। मतलब नीचे जाना सच में मेरी हिम्मत नहीं होती यार, मेरे बस की नहीं था। चलो 40 मिनट अप एंड डाउन वारी चोरा ट्रैक डन टू फाइंड दिस डैम थिंग।
माई गिम्बल ऑसम मैन ऑसम, मतलब ये फायदा है ना, इफ यू आर ट्रैकर देन वो दिखना चाहिए, ट्रैकर है तो इसीलिए तो मैं क्या बोला, मैं बोला मेरे को यहाँ तक के रास्ते की प्रॉब्लम है, ट्रैक की प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एंड फ्रेंड्स सच बताओ, आई वाज थिंकिंग गया अब तो गया, जो होना था अब हो गया, बट ही इंसिस्टेड कि नहीं मधुर देख कर आ जाते हैं, देख के आ जाते हैं, यही गए थे सीरियसली यार। ऐसी चीज भी होनी चाहिए ना, ये भी स्टोरी बनानी चाहिए, एक कहानी हो गई ये गिम्बल के चक्कर में। अब इसका वो लिखना है जो टाइटल रहेगा, एक गिम्बल के चक्कर में किया वारी चोरा दोबारा। सो फ्रेंड्स हम वापस अब जा रहे हैं नीचे, व्हाट हैपेंड, मतलब गाड़ी तो कोई थी नहीं, वो हमारी जो गाड़ी थी वो भी चली गई, एंड मोर देन 2 आवर्स हम वहीं बैठे रहे थे। After 2 hours we asked for the lift and we got the lift from the local people. Hello. Hi. What's your name, buddy? My name is Janavan Enmara. Okay, and you are from East Garo Hills. Yeah. Okay. Sir, your name? Chitus Enmara. Okay. And you are his friend or what? My uncle. Uncle. Okay. Hello, ma'am. Hi. So what's your name, ma'am? Okay. Sir, your name? Chitus Enmara. Okay. Chitus Enmara. Okay. So these lovely people gave us gift, lift to Emengre village, and now we will be able to reach here just because of this thing. Boys are exchanged with pig by the pig. So this buddy, yeah, this buddy will go to some other's home in exchange of a pig, yeah, and that will be eaten. Yeah, 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 we will eat like all the ladies from the girl's side, he will eat. Okay. So have you found somebody, brother? Not yet. Yes, I am. After to find one. So, matlab, you have to live in that family only. Yeah, yeah. Agar shaadi hone ke baad, agar wife ki death ho jaye, to you will live in that family only. Yeah, yeah. We are so mithela. Yeah, yeah. Mithela to all of you. Thank you. Bye-bye. Thank you, bhaiya. Thanks a lot. Mithila, bye bye, bye bye. Do see my video, no? Yeah. Okay, bye. Yeah. Yeah, do I will. Just tell me the Garo boys. Friends, आज full day adventure वाले trip के बाद we are back on track और अब हम जा रहे हैं यहाँ से Nongstan वापस Emengre से, लगभग 190 किलोमीटर है और शाम के बज रहे हैं 4:30-5 का टाइम हो गया है टू बी मोर प्रिसाइज, और हम 4:35 के आसपास निकले होंगे यहाँ से। तो अब गाड़ी सीधी 200 किलोमीटर के आसपास चलेगी ओवरऑल और पहुंचेगी Nongstan। एंड ये जितने सारे फ्रेंड्स आपने देखे गाइज, आई मस्ट टेल यू, पीपल इन गारो हिल्स आर वेरी हेल्पफुल। और जो हमारा ये कांड हुआ, मतलब जो हमारा गिम्बल रह गया था, गिम्बल कांड, सो मेनी पीपल सॉ आर गिम्बल एक्चुअली, गाइड्स ने, कई सारे गाइड्स ने देखा लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। सो थम्स अप फॉर ऑल द गारो पीपल, वो वहीं पड़ा रहा करीबन 2-3 घंटे तक, नोबडी टच्ड इट, इट्स अ बिग बिग डील, एंड विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग इट, इन सम अदर पार्ट ऑफ आर कंट्री, एनीवेयर, मतलब कुछ जगहों पर उसका नामो निशान नहीं मिलने वाला था, इज इन डेट पंकज राइट, एंड इट इज नॉट लाइक दिस कि वहाँ पे कोई नहीं था, आज हजारों लोग आए हैं, आज ज्यादा भीड़ के वजह से भी हो सकता है कि वो हमें मिल गया, और गारो पीपल्स आर वेरी, हाँ, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी जेंटल, एंड फ्री में लिफ्ट मिली, उन्होंने छोड़ा और बातें करी जिनको आपने अभी देखा। सो हे गारो बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी एंड वी लव्ड स्टे हियर। अब हम आगे निकल रहे हैं, फिलहाल के मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ बंद, अब आज का आपका वारी चोरा का ब्लॉग खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली कहानी बताता हूँ मैं अगली वीडियो में आपको, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट, बाय बाय।